हेलो दोस्तों, आज आप आपको बताएंगे OTTR के बारे में। तो OTTR ऑन करने का सबसे एक आसान तरीका है यूज़ करने का। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये कनेक्शन का पोर्ट है, इसमें हम कनेक्टेड करेंगे एक साइड से, और एक साइड से हम लगा देंगे इसको FDP में। ये हमने FDP में कनेक्ट कर लिया है। जैसे हमें एक फाइबर ट्रेस मारना है तो हमने कनेक्ट कर दिया है एक पोर्ट OTTR में और दूसरे साइड से FDP में हमें फाइबर ट्रेस करना है। तो हमें इसको सिंपल से फंडे से के साथ ऑन करना है। इसको ऑन ऑफ वाला बटन होता है, इसका ऑन ऑफ ऑन कर लिए। जैसे देख पा रहे होंगे आप, VIP का OTTR है, ये स्मार्ट OTTR है। इससे हम VFL भी दे सकते हैं और हम ट्रेस भी मार सकते हैं। आप दिखाते हैं आपको प्रोसीजर कैसे ट्रेस लगाया जाता है। ये ऑन हो चुका है हमारा। तो ऑन होते ही हमारे इसमें पहले जो ट्रेस लगाया हुआ उसकी लोकेशन दिखाया जाता है, कितना ट्रेस लगा होगा। तो हमें क्या करना है, सिंपल से अगर भाई आपको कुछ नहीं करना है, आपको ट्रेस में लगाना है, तो स्टार्ट वाला बटन दबा देना है। स्टार्ट बटन लगा दबाते ही आपका ये ट्रेस दिखा देगा कितनी लेंथ जा रही है इसकी। जैसे इसकी लेंथ जा रही है, ये आपको दिख रहा होगा, ये स्मार्ट OTTR है जो हम स्किन टच करके भी मूव करा सकते हैं। तो ये बी पॉइंट में हम लेके गए इसको, तो आपको पूरी ट्रेस लगते ही आपको पूरी लेंथ दिखा देगा ये। जैसे आप देख पा रहे होंगे 3.10 किलोमीटर इसकी लेंथ जा रही है पूरी ट्रेस की। और ये हमारा रिफ्लेक्शन, कितना रिफ्लेक्शन हो रहा है, कितना DB टोटल, कितना लॉस जा रहा है, 3.8 DB का लॉस है इसमें टोटल। ये आपको अगर बीच में कहीं लॉस है तो यहाँ पर दिखाई देता है आपको। और हम इसको कर्सर बीच में लेके, ये कर्सर एम आ गई 0.7 500 मीटर में इतना लॉस दिखा रहा है। ये हमारा लॉस दिखाता है। इसमें सेटिंग चेंज करने के लिए सेटअप में जाना पड़ता है, बाकी जैसे मैंने आपको दिखा रखा है बाकी चीज़ों में, बाकी वीडियोस में, कि सेटिंग कैसे चेंज करते हैं हम। ये हमारे सेटिंग सेटअप में जाके आराम से हम कोई भी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। लेज़र दे सकते हैं, अगर आप 1300 में देना चाहते हैं 1330 में दे दीजिए, अगर 1500 में देना है तो 1500 में दे दीजिए। एक्विजिशन मोड इन मैनुअल और ऑटोमेटिक कर सकते हैं। रेंज आपको जितने किलोमीटर की आपको फाइबर ट्रेस मारनी है उतने किलोमीटर का आप रेंज सेट कर सकते हैं। पल्स इसमें आपके अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। रिजोल्यूशन, उसके बाद टाइम, कनेक्शन टेस्ट के कितना आपका करना है, और ये लॉन्च केबल की आपको अपने हिसाब से कॉन्फिगर कर सकते हैं इसको। और इससे बाहर आने के लिए नॉर्मली हम स्टार्ट स्टॉप वाला बटन दोबारा दबा प्रेस कर लेंगे और ये हमारा ट्रेस लगना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये ट्रेस दोबारा स्टार्ट हो गया है। बहुत ही आसान है OTTR यूज़ करना। थोड़ा बहुत इसमें आपको लॉस का नॉलेज होना चाहिए, लॉस कैसे रेक्टिफाई करना है। आप एक बार कनेक्ट करके फाइबर को आराम से ट्रेस लगा सकते हैं। ऐसी जानकारी के लिए आप वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।